तो सुबह हो चुकी है और आपको बताया कि हर रोज सुबह हम क्या करते हैं, हम देखने वाले न्यूज, तो फटाफट से शुरू करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, लॉस सेंटर्स में होने वाला है बहुत ही खतरनाक वाला रैम चैलेंज। ये रैम चैलेंज होने वाला है सबसे अलग और सबसे खतरनाक, और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये है बहुत ही बड़ा पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ घर। है भाई साहब, रैम चैलेंज होने वाला है वो भी इतने से तगड़े घर के लिए। मुझे शुरू से यार पहाड़ों के बीच में घर चाहिए था। अब यार मैं बाकी की न्यूज नहीं सुनने वाला, वो हमेशा बताते रहते ये वाली गाड़ी लाओ ये लाओ, अभी मुझे सब पता है। पर यार जो मेरी गाड़ी यार वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मुझे कोई यार सुपर कार चाहिए। एरीफेकी में मेरी बहन सुनो यार, अभी शिनचैन क्या हो गया है? एरीफेकी में मुझे पता चला लॉस सैंटोस में कार मीट हो रही है, वहाँ पे सारे के सारे गैंग मेंबर्स और सारे के सारे अमीर आदमी लॉस सैंटोस के हमें मिलने वाले हैं। अच्छा वहाँ पे क्या होता है? एरीफेकी में वो यार अपनी नई नई तगड़ी तगड़ी कार लेके आते हैं और सबको दिखाते हैं अपन वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। और शिनचैन मैं समझ गया तू क्या बोल रहे हैं, एरीफेकी में अभी तो बहुत ही समझदार है। अरे अब मैं इतना भी खास नहीं, एरीफेकी में मेरा डायलॉग कॉपी मत करिए, फटाफट से चलो। और हाँ शिनचैन चलते चलते। तो गाइस यार अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे वो कार मीट होने वाली, फटाफट से देखते कौन 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 सी बार मिलने वाली है। ओए तुझे क्या लगता है तू कहाँ जा रहा है? यहाँ पे सिर्फ गाड़ी वाले अलाउड है, ना कि तेरे जैसे बाइक वाले। तो गाइस यार अभी सिक्योरिटी ने मुझे यार अंदर आने से मना कर दिया, तो मेरे पास एक आईडिया, मैं यहाँ से लपक लपक के चढ़ गया और शिनचैन को मैंने बोल दिया वहाँ पे हमला करने के लिए, और मैं इनको फटाफट से मार वालों, मैं किसी को भी छोड़ने वाला। सालों मेरे को अंदर नहीं आने दे रहे थे, अब यहाँ पे मैं सबको मारूंगा। भाई कितनी सारी कार्स खड़ी है, पर पहले फटाफट से सबको मारते, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। जो फिर मेरे को कार अच्छी लगी मैं वो लेके जाऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे सबको खत्म कर दिया। और ये क्या है अबे, निकलो ऐसे, इन सबको फटाफट से मारते हैं। तो गाइस अभी मैंने सबको खत्म कर दिया, उससे पहले कि पुलिस आए शिनचैन और मैं फटाफट से डिसाइड कर लेता हूं कौन सी कार चाहिए। अबे कितनी सारी कार्स खड़ी है, इन सबको मैं कहीं से लेके यहां से भाग जाऊं तो मजा आ जाएगा, पर मैं सबको लेके नहीं जा सकता। एक सेकंड, ये गाड़ी थोड़ी बढ़िया लग रही है, बहुत ही बढ़िया वाली गाड़ी है, चलिए यही लेते हैं। और हाँ शिनचैन गाइस फटाफट से कमेंट बताओ ये वाली गाड़ी कैसी लगी, भाई मेरे को तो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है। एरीफेकी में रुको, मुझे भी तो बिठा लो। अच्छा तू मेरे साथ ही चलेगा क्या? एरीफेकी में तो कहां जाऊंगा मैं यार, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है फटाफट से बैठ। तो गाइस हमें मिल चुकी है अपने रैम चैलेंज के लिए नई नई गाड़ी, जिससे हम अपना रैम चैलेंज करने वाले। यहाँ पे और भी बहुत सारी गाड़ी थी पर मुझे ये अच्छी लग रही है, तो उसको फटाफट से लेकर चलते हैं। अब यहाँ से अपन निकलते हैं। एरीफेकी में कहां चल रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो फेकी भी? अभी शिनचैन रैम चैलेंज करना है तो रैम पे कूदना तो जरूरी है, बचाओ मेरे को। एरीफेकी भैया कैसी गाड़ी चलाती है? आपको गाड़ी नहीं चलाना थी। अरे कोई बात नहीं शिनचैन। तो गाइस अभी हम चलते सीधा रैम चैलेंज की तरफ। तो आपने अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। हम यार 500 के बहुत ज्यादा करीब है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और हम चलते सीधा रैम चैलेंज की तरफ। अरे देखो देखो मैं आ गया। अरे मेरे को एक बात बताओ भाई, वो मेरे को गाड़ी अंदर क्यों नहीं लेके आने देने वाला था? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, जो मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है क्या? अरे फ्रैंकलिन यार तुम गाड़ी क्यों लेके आओ यार, ये तो साइकिल वाला रैम चैलेंज है। क्या ये साइकिल का रैम चैलेंज है? अरे भाई ये क्या दिक्कत है भाई, इतनी मेहनत करके गाड़ी लेके आया और ये बोल रहे साइकिल का रैम चैलेंज है। अरे तुमने न्यूज नहीं देखी थी क्या? न्यूज तो नहीं देखी थी यार, आधे में छोड़ के आ गया था। तो गाइस अब कोई बात नहीं, अभी तो हम यहाँ पे आ चुके और हमारे राज के रैम चैलेंज के होस्ट हैं ये खतरनाक वाला वैनम जिला, जो कि आजकल रैम चैलेंज होस्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के रैम चैलेंज को शुरू करते हैं और जाने वाले सबसे पहले कैप्टन अमेरिका, देखते ये क्या करके दिखाते, कैसे हमको ये जीतेंगे। और ये क्या, ये तो लड़की को लेके साथ में नीचे गिर गया। अरे ये समोसे वाला कभी नहीं सुधरेगा, जब देखो जब लड़की दिखी नहीं उसके साथ चला जाएगा। तो यार अपने कैप्टन अमेरिका समोसे वाले तो हो चुके डिस्क्वालीफाई, अब देखते हैं अपना आयरन मैन क्या करता है। और ये लड़कियों को डॉज करते करते यहाँ पे लड़के डांस क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कोई जगह डांस करने वाली, नीचे से तो पानी है और यहाँ पे बहुत सारे हल्क लेटे हुए। और ये इसने बॉल को क्यों नीचे गिराया पता नहीं, यहाँ पे बहुत सारे हल्क लेटे हुए उनके ऊपर से ये लेके चला गया और ये एक लड़की घुरा दूसरी लड़की पे मारा और ये खुद ही गिर गया है। अरे 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 थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। अरे ये क्या, ये लड़के यहाँ पे नाच के और ये क्या पागल लड़के हैं यार। अरे दीदी कैसे हो, हेलो हेलो, अभी क्या कर रहे हैं? अभी रैम चैलेंज तो कर ले। अरे अरे मुझे रैम चैलेंज नहीं करना है, मैं इनके साथ डांस करूंगा। शीला शीला की जवानी। अबे कैप्टन अमेरिका को बोल रहा था, खुद ही सारा उसका डांस करने लग गया। अरे थैंक यू अबे क्या थैंक यू भाई, ये क्या पागल लोग हैं। और गाइस यार पहली बार हमारे साथ आए हैं वेनम के बाल, ये बहुत ही बढ़िया वाले बाल हैं। एनीवे की भी मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है यार, ये कैसा अजीब सा है। और वही तो यार ये वेनम का बाल क्यों आया रैम चैलेंज, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वैसे यार वेनम जिला यार इसका होस्ट है तो क्या पता उससे किसका दोस्त वोस्त लगता हो, क्या पता। अपन चलो फटाफट से देखते हैं। और इसने यहाँ पे इनको गिरा दिया लड़कियों को, और ये टोनी स्टार्क अभी तक यहाँ पे डांस कर रहा है। और ये वेनम का जो बाल है वो बहुत ही ज्यादा आगे आ चुका है और ये गाड़ी के ऊपर से कूदा ही। और ये क्या साइकिल चला रहा है भाई, अबे ये कौन सा चैंपियन है? और ये गया सीधा पानी के अंदर, मुझे तो लग रहा है जिस हिसाब से साइकिल चलाई भाई सीधा रैम चैलेंज कंप्लीट करने वाला था, बहुत ही ज्यादा मैं तो डर गया था, मुझे लगा था भाई अभी के अभी रैम चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, वो अभी गिर चुका है। अब बात ये अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की, देखते क्या ये जो आज का जो पहाड़ों वाला घर है जो कि मैं जीतने और मैं ही जीत के जाऊंगा वो वाला घर जीत सकते हैं। और ये तो सीधा डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। ये क्या है,
भाई ये क्या स्कैम है? अबे ये डॉक्टर स्ट्रेंज क्या क्या करता रहता है? अबे तेरे को बोला ना अपनी मैजिक का यूज नहीं करना है। ओड़ी बाबा ये मेरा मैजिक तो ना है, ये तो मेरा दिमाग है। अबे दिमाग को मारूंगा थप्पड़, चुपचाप निकल यहाँ से। एक सेकंड, अरे वेनम जिला भाई ये देखो ना ये चीटिंग कर रहा है, इसको कुछ करो ना। मेरे रैमचर में चीटिंग करोगे मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। तुमने देखा ना, जो भी चीटिंग करेगा उसके साथ यही होगा, वो वेनम जिला उनको खा जाएगा। तो गाइस अभी बारी है मेरी, फटाफट से बैठ जाता हूँ रेड हल्क, और शिनचैन बचे तो अभी फटाफट से मैं साइकिल में बैठता हूँ। इस वाली साइकिल में ये रैमचैन में कंप्लीट करूंगा और वो घर लूंगा जो भाई पहाड़ों पे होगा। मैं बस सुबह उठूंगा और फुल यार मजे लूंगा, मतलब चाय पीऊंगा पहाड़ों के ऊपर, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है भाई। सोचो तो सर कितना ज्यादा मजा आएगा, एक बार आंखें बंद करके सोचो। बम मैं सुबह उठते ही सामने है पहाड़, सामने है सूरज, और ये क्या हो गया? अबे मैं गिर कैसे गया? अरे यार सपनों में चला गया था मैं, ये तो चीटिंग है। अरे यार मैं सपने क्यों देखता हूँ दिन में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर कोई बात नहीं, अभी जा रहे हैं रेड हल्क, और ये क्या ही स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं भाई। ये और वो जो वेनम का बॉल, तो क्या स्पीड में गाड़ी चलाई भाई, ऐसे चला रहे हैं मतलब गाड़ी नहीं साइकिल चला रहे भाई, क्या तगड़ी साइकिल चला रहे। और ये रेड हल्क सबसे ज्यादा आगे अभी पहुंच चुका है, और ये इसके अंदर जा रहे हैं अभी, जा रहा है और ये अटक गया यहाँ पे, और यहाँ से गिर चुका है पानी के अंदर। कितना ज्यादा आगे आया था, पर अपने यार रेड हल्क भी हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई। शिनचैन शिनचैन मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज एक सेकंड। अबे तेरी साइकिल कहाँ है? एनी वे की मेरे लिए तो साइकिल ही खत्म हो गई, मैं किस में जाऊंगा? अबे ये क्या बात हुई, इसके लिए तो साइकिल ही खत्म हो गई। अबे ये क्या बात है? एनी वे की मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अबे क्या आइडिया है? एनी वे की मैं रुको अभी मैं लेके आता हूँ। अबे क्या लेने जा रहा है? अबे शिनचैन नहीं, एनी वे की यार मेरे लिए साइकिल ही है, तो मैं तो जाऊंगा ना किसी ना किसी भी। हाँ वैसे बात तो सही है, जरा शिनचैन कंप्लीट कर दे और प्लीज भाई यार ये घर जीत जाइयो भाई, सुबह सुबह उठेंगे फुल मजे करेंगे। एनी वे की पे लाइफ मुझे बताओ यार मुझे कितने रूम दोगे? अबे सारे रूम तो रख लियो भाई, सारे रूम रख लियो। एनी टिकी में अभी के जीत के दिखाता हूँ, मैं नन्हे के दीदी के साथ रूम में गेम खेलूंगे, बहुत सारी मजा आएगा। अरे देखो जो करना है कर, बस ये रैमचरण जीत के दिखा। एनी टिकी में आपने बोला तो अभी के भी करके दिखाता हूँ। एनी चलो इसको फटाफट से यहाँ से चलते हैं। अभी भाई ये गाड़ी से कितना ज्यादा आगे आ चुका भाई, इतनी पतली पतली रोड में शिनचैन साइकिल चला रहा है भाई। नन्हे को दीदी के लिए कुछ भी कर सकता है भाई, इससे लगता है कुछ काम करवाने पड़ेंगे। एनी टिकी में रुको नहीं, मुझे करने दो ना। अरे यहाँ मैं कहा कुछ रोक रहा हूँ, और ये यहाँ पे भी चढ़ चुका भाई। शिनचैन बहुत पास है, शिनचैन कर ले। एनी टिकी में रुको यार मुझे सांस नहीं आ रही। अबे शिनचैन मजाक मत कर, अभी फटाफट से कर ले, और बिल्कुल आराम से आराम से आराम से। अरे शिनचैन इसमें से नहीं निकलेगी। एनी टिकी में रुको शिनचैन। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, अबे इसे तो कर दिया है। एनी टिकी में मैंने कर दी है, मुझे घर में लेके आइए, मेरी नन्हे को दीदी के साथ गेम खेलने के मजे आएंगे। शिनचैन बहुत बढ़िया, इस रैम चैलेंज के विनर हो तुम। अरे क्या विनर है, इसने चीटिंग करी है, हमको सबको साइकिल दी और इसको गाड़ी दी। अबे चुपचाप बैठा रहे, इसने तुमसे अच्छा किया है, इतनी पतली पतली रोड पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, शिनचैन है विनर। अरे नहीं तुम चीटिंग करते हो। अरे ज्यादा बोल रहे क्या, खाऊंगे तेरे को अभी, कोई चीटिंग नहीं हुई है, चुपचाप बैठे रहे। अरे हाँ कोई बात नहीं, लड़ो मत लड़ो मत। अरे क्या यार ये चीटिंग करते हैं, मुझे कुछ नहीं करना यार ये रैम चैलेंज, अरे बहुत चीटिंग है ये। अरे बोला ना लड़ो मत, चुपचाप बैठे। तो गाइस अभी हम आ गए अपने नए नए घर पे जिसका नाम है 1981। फटाफट उसके घर के अंदर घुसते, सब लोग बोल रहे हैं चीटिंग करी चीटिंग करी चीटिंग करी है। एनी फिकी मैंने क्या चीटिंग करी है? अरे वही तो बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा बाकी सब बोल रहे। तो गाइस एक काम करो, आप फटाफट से कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है शिनचैन ने चीटिंग करी है कि नहीं, क्योंकि भाई वो इतनी पतली रोड पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। पर देखते हैं क्या होता है, आप जो भी बोलोगे वो हम मानेंगे। अभी शिनचैन को ये घर मतलब हां नहीं बोला है, पर ये घर में भाई स्विमिंग पूल बहुत ही ज्यादा बड़े वाला है। यहां पे छोटा स्विमिंग पूल, यहां पे बड़ा स्विमिंग पूल, उसमें प्लेन भी है। वैसे मैं बता दूं एक चीज, ये जो बड़ा वाला स्विमिंग पूल है ना, वो थोड़ा सा क्या स्कैम है, मैं आपको बता दूं क्यों। ये देखो ये जो पानी ना, बस ऊपर ऊपर से पानी, अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो ये सब खोखला है, ये सब स्कैम है। पर कोई बात नहीं भाई, घर बहुत ज्यादा तगड़ा है, मतलब यार बहुत ही ज्यादा मस्त वाला घर है। अभी मैं ये प्लेन को लेके जा रहा वाला घूमने। अभी यार आप फटाफट से कमेंट बता दो कि आपको क्या लगता है शिनचैन जीता कि नहीं, उसने चीटिंग करी कि नहीं। अगर आप हाँ बोलोगे तो फटाफट से शिनचैन को वो घर गिफ्ट कर देंगे, वरना तो आप देख लेना। तो गाइस यार आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो, और कैसे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर जॉइन और फॉलो कर लेना। और कैसे मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।